हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और क्या हाल चाल आप लोगों के? सबके मस्त हो। और दोस्तों, मैं आपको बाहर का बीच चेकआउट कराता हूँ पहले, फिर बाहर जाके बात करेंगे। ओके गाइज, यह है बाहर का बीच, चेकआउट कीजिए। लो जी लो, गुड मॉर्निंग। और देख सकते हो सुबह सुबह धूप निकल चुकी। फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यार का पानी मजा आ गया। लो जी लो, हम बाहर आ चुके अपने कैंप से। और फिलहाल देख लीजिए सुबह सुबह मॉर्निंग का कुछ नज़ारा फिलहाल देख सकते हो आप। और यह है पहाड़ी, देख सकते हो। इन पहाड़ियों के बीच में कैंप में करने का कुछ मज़ा ही अलग आता है। और साथ में नदी का भी नज़ारा कुछ ऐसा ही है, देख लीजिए। जो हमने लगाए थे रात को 9:45 पर, भाई साहब क्या हाल चाल है। सुबह का बहुत अच्छा फील हो रहा है और सब अपने अपने काम पर लग चुके हैं, जैसे समय के हिसाब से होता है ना, वो इस तरह का। और ये पानी भाई साहब कल यहाँ पर नहीं था, ये कल नीचे की था, उस वहाँ पर था। और देखो कितनी जगह पहुँच चुके हैं। तो गाइज फिलहाल हम थे नुब्रा वैली में और हमने की थी कैंपिंग नुब्रा और मंडल के बीच में, क्योंकि नाइट में लेट हो गए थे। और 2-3 जगह में लोकेशन भी तलाशी लेकिन नहीं मिल पाई, इस कारण बस फिर हमने यहीं एडजस्ट किया। अब नाइट में आए थे, कोई पता नहीं था कैसी लोकेशन है कैसी लोकेशन नहीं है फिलहाल, लेकिन अच्छी लोकेशन है। जिसके जैसे राजस्थान के पहाड़ होते हैं ना, सेम वैसे ट्यू कॉपी जैसे वैसे लग रहे हैं मेरे को। और फिलहाल अच्छा है, कोई बात नहीं, अच्छे होना चाहिए, लगा तो लिया। और सुबह सुबह नदी का कुछ नज़ारा देख लीजिए, ये देख लीजिए। ये कुछ नदी है जी, और नदी के किनारे एक कैंप लगाने का कुछ मज़ा ही अलग है, ये देख लीजिए। सुपर। तो देखते हैं गाइज आज का क्या प्रोग्राम आगे का और कहाँ तक पहुँच पाएंगे। आज आपको आगे बता देंगे वीडियो में, आज कहाँ तक पहुँचना है हमारे को और कहाँ नहीं जाना है, सब कुछ डिटेल बता देंगे। नुब्रा वैली की पहले चाय सुबह मॉर्निंग में, देखते हैं कैसी टेस्टिंग है और भाई ने कैसी बनाई है। चेकआउट करते फिर आपको बता। मैं आया हूँ नदी किनारे और नदी किनारे आया हूँ बर्तन धोने के लिए, देख सकते हो, और कुछ पानी लेने के लिए। ये नदी चल रही फिलहाल, अब यहाँ से पानी लेते हैं फिर चलते हैं। लो जी गाइस, फिलहाल हम सब लोग नदी में नहा के आ चुके हैं फिलहाल। और देखिए ये सब नहा धो के कम्प्लीट है फिलहाल। अब चेंज पेंच कर लेते और पैकिंग कर लेते, फिलहाल निकलते हैं। और बहुत ठंडी थी सच में, नदी का पानी बहुत ठंडा ज़्यादा यार। देखो उस भाई को क्या हुआ, कैमरे में पानी गिर गया भाई। अरे यार। चलो गाइस फिलहाल अपना सामान पैकिंग हो चुका है और बाइक पर लोड कर दिया कंप्लीट। सभी के सामान पैक हो चुके हैं, देख सकते हो। फिलहाल सभी भाई रेडी फॉर रेडी है और अब निकलने वाले हैं आगे के टूर के लिए। और फिलहाल बात करूँ तो थोड़ा थोड़ा हल्का मौसम ठंडा हो रहा है और बाकी धूप थोड़ी सी जा चुकी है और फिलहाल नदी का पानी भी ठंडा लग रहा है। और काफ़ी देर बाद आधे घंटे एक घंटे नहा धोने के बाद में सब पैकिंग करके काफ़ी वक्त लग चुका है और हमारे को निकलना है। अब आज का टाइम हो चुका है भाई साहब 9:30 बज चुके हैं, क्योंकि हमेशा हम 8 बजे निकल जाते लेकिन आज थोड़ा लेट हो चुके क्योंकि यार नहाना था, कपड़े धोने थे, ऐसे वैसे काम काफ़ी होते हैं। आपको पता है कि राइडर की ज़िंदगी कैसी होती है। और फिलहाल हम निकलने की तैयार हो चुकी है और अपनी बाइक पैकिंग हो चुकी है कम्प्लीट। योर रेडी इज़ गो। फाइनली हम कंप्लीट हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। अब होंडा से निकलते हैं। अब देखते हैं आगे का प्रोग्राम कहाँ है, जाने का बता दूंगा मैं, क्योंकि हम आसपास में जाने वाले थोड़ा लेट हो चुके हैं फिलहाल। तो फिलहाल गए चलते हैं और हॉल्ट कीजिए। हेलो जी, फाइनली हम निकल रहे हैं। ये लो निकल चुके हैं और इस लोकेशन को बाय बाय बोल दिया है। थोड़ा नदी का पानी आने का कारण थोड़ी रोड अच्छी बन गई भाई साहब, नहीं तो अभी देखना दिक्कत आने वाली है। नाइट में हमारी गाड़ियां फंस चुकी थी लेकिन फिर भी 4 बंदे होने का अंदर एडजस्ट कर पाए। ये देखिए इधर, अच्छा भाई सबसे बोरिंग काम बताऊँ दाज गाइज, ये है इज ऑफ रोडिंग और इज मिट्टी सबसे घटिया इज क्वालिटी एंड डज इट नॉट रिमेंबर इज लाइफ। ये गंदी जो मिट्टी है ना, ये थोड़ा सा गंदा फील करा देती है। बाकी तो कल नेट मिट्टी थी, यहाँ पे ले लूट चुकी है। अब आगे निकल रहे हैं धीरे धीरे। एक मिनट, भाई का सामान रह गया, कोई सामान गिरा, तेरा सामान गिरा, सामान ये वो काटा 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 टेंट वाला, आओ देखो एक बार चेक करो। एक मिनट, भाई का सामान गिर चुका है और ये जा रही है अपनी नदी सामने से। जैसे इसमें नहाया किरे सब कुछ, वो किला भुगला किला गिर गया बोरा इसका, मेरा से गिरा। हाँ ये देखो, इस भाई का सामान कुछ गिर सका है। हाँ ये पैरों में, हाँ यही। अच्छा, अरे ये फिर टेंट वाली नहीं है, नहीं चाहिए क्या? ऐसे ही हुआ। मेरे को क्या पता, मैंने आपको रख लो काम आ जाएगी। तो निकलते हैं, भाई का सामान कुछ गिरा था और ये आ गया ऑफ रोडिंग। देखो रात भर में इतनी मिट्टी नहीं थी लेकिन देख सकते हो कितनी बढ़ चुकी है। और अब होने वाली अपनी वो दिक्कत स्टार्ट। वैसे अपनी बाइक में थोड़ी सी हवा कम है ना, उस हिसाब से निकल जाएगी मेरे को लग रहा है। मैंने हवा कम थी ना इसलिए थोड़ी सी, नहीं तो दिक्कत रहती काफ़ी। और थोड़ी सी नदी का पानी अगर ज़्यादा आ जाता ना तो आराम से ये जम जाएगी मिट्टी। वो ऊपर जा रहे भाई इंडियन आर्मी के एयरफोर्स के क्या बोलते हैं उनको, प्लेन जा रहे हैं। और इतनी देर में सांस चढ़ गई। ये देखो 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 देखो, इसको देखो, इसको देखो, खुद फंसे कर अपने को फंसा दिया। यही तो है भाई, जल्दीबाजी करते हैं, खुद दिक्कत में आते नहीं, अपन निकल जाते। आराम से निकल वाले थे लेकिन क्या करें, कोई बात नहीं, भाई की मर्जी थी, निकाल लिया। और मेरे ना पैर दर्द करने लग गया था यहाँ पर इस मिट्टी में चलाने से, सच में। और आ रहे कुछ राइडर, ये देखो राइडर आ रहे भाई सब और अपना माहौल देख रहे हैं। हेलो जी, बाइक निकल चुकी है फिलहाल और ऑफ रोडिंग ज़्यादा थी थोड़ी। इधर जो नाइट में पुल देख रहे थे खो गया था ना, वो मिल चुका है, यही पुल था। देखो इधर से हमने प्रोग्राम जाना था, ये था, ये पुल था, इस पर मेरे को बाइक उधर से निकलना था और वहाँ कैंपिंग करनी थी, लेकिन कोई बात नहीं। लद्दाख इस कैम्बल जो हमारे राजस्थान के उठ रहे थे उनमें थोड़ा चेंज है और यहाँ पर कुछ चेंजिंग है, देख लो। ये पानी पी के ये नदी पार करने वाले हैं। वैसे देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं यार, सच में रियल में कुछ तो है। एंड डेजर्ट योर इज लद्दाख एंड बिफोर इज लाइक राजस्थानी, यू नो, इंटरेस्टिंग चेंज राजस्थान में और यहाँ चेंज है कुछ सिस्टम, तो फिलहाल अच्छा लगा। ये अपनी बाइक पार्क यहाँ की